हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइबर गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिजी लॉकर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, डिजी लॉकर के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, RC, ड्राइविंग लाइसेंस और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप इसमें सेव करके रख सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा डिजी लॉकर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कैसे इसमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके फ़ोन में डिजी लॉकर का ऐप होना चाहिए और आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, उसके बाद ही आप डिजी लॉकर ऐप यूज़ कर पाओगे। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करना है। दोस्तों, डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको प्ले स्टोर सबसे पहले डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से इसे ओपन करना है। देन दोस्तों, फर्स्ट टाइम जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। फिर यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। देन आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो आपने अपने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ था। देन यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको 6 डिजिट का अपना पिन देना है। इस पिन को आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग लॉगिन करोगे तो आपको सेम पिन यहाँ पर एंटर करने को कहा जाएगा। तो ये सारे डिटेल यहाँ पर मैं फिलअप कर लेता हूँ। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो यहाँ से आपको साइन इन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर और आधार या यूज़र नेम। तो आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। तो मैं अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन करने वाला हूँ। देन आपको नेक्स्ट कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको वही 6 डिजिट का पिन डालना है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त यहाँ पर डाला था। तो सेम पिन यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ से साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपके सामने डिजी लॉकर ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ से आपके सामने डिजी लॉकर ऐप का इंटरफेस आ चुका है। यहीं से आप अपने डॉक्यूमेंट को इशू करोगे, यहीं से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे और आप उन सभी डॉक्यूमेंट को यहीं पर देखोगे जो आपने यहाँ पर डिजी लॉकर में इशू किया हुआ था। तो दोस्तों, अभी मैं आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर इशू करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पर भी नहीं है तो यहाँ पर मैं इसे अपने अपलोड करके दिखाता हूँ। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे एक सर्च बार मिल जाएगा। आपको सिंपली सर्च बार में जाना है और आपको जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है यहाँ पर सिंपली टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करने वाला हूँ, तो ड्राइविंग लाइसेंस सर्च कर लेता हूँ। देन यहाँ पर दोस्तों, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ ये अपने आप ही ले लेगा। अब आपको यहाँ पर अपना लाइसेंस नंबर एंटर कर लेना है। देन आपको गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इसे फैच कर लेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर इशू किए हुए, जैसे कि आधार कार्ड है, मार्कशीट है। तो अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट को देखना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके इसे देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसे व्यू कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इसे PDF ग्रुप में देख सकते हो या फिर अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों, डिजी लॉकर में एक ऑप्शन रहता है डिजी लॉकर ड्राइव का। अगर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर फैच नहीं हो रहा है या फिर इशू नहीं हो रहा है तो यहाँ पर सिंपली आप उन डॉक्यूमेंट को ड्राइव में सेव कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली ड्राइव पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 1 GB का स्टोरेज बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो अपने डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर ड्राइव में अपलोड करने के लिए आपको सिंपली प्लस वाला आइकन टाइप करना है। देन आपको अपलोड फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको गैलरी में चले जाना है और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है आप जिस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं अपने वोटर आईडी कार्ड को अपलोड करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि डिजी लॉकर में कहीं पर भी वोटर आईडी कार्ड इशू नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप भी उन डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो जो यहाँ पर इशू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन इसके बाद ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उस तरीके से सेम आप इस 3 डॉट पर क्लिक करके आप उसे व्यू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो या फिर आप चाहते हैं यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कैसे डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपका भी कोई डाउट है या फिर आपका कोई लॉगिन का प्रॉब्लम जो डिजी लॉकर में लॉगिन नहीं हो पा रहा है या फिर OTP नहीं आ रहा है तो आपको राइट साइड में एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप डिजी लॉकर के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।